नमस्ते, आज मैं आप लोगों को स्किन टैग्स के बारे में बताऊंगी। ये क्यों होते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, और क्या आप घरेलू नुस्खे कर सकते हो जिसको से ये कम हो, ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो स्किन टैग्स को मसा भी बोलते हैं। ये छोटे छोटे स्किन कलर के दाने जैसे होते हैं जो गर्दन में, आंखों के आसपास, आईलिड के ऊपर भी, आर्मपिट के एरिया में, ब्रेस्ट के नीचे, ग्रोइन एरिया में और बटक्स के बीच में, ऐसे में भी देखा जा सकता है। तो जहाँ पे भी दो सर्फेस की रगड़ लगती है वहाँ पे ये स्किन टैग्स देखने को मिलता है। तो ये सारे बॉडी फोल्ड्स में दिखता है। तो ऐसा देखा गया है कि 50% लोगों को लाइफ में एक बार ये स्किन टैग होती है और ये यूजुअली 30 ईयर्स के बाद देखा जाता है। तो ये स्किन टैग्स क्यों होते हैं? दो सरफेस रगड़ने की वजह से ये स्किन टैग्स देखने को मिलता है, इसीलिए हमेशा बॉडी फोल्ड्स में भी आपको दिखेंगे। जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनमें ये स्किन टैग्स ज़्यादा देखने को मिलता है। स्किन टैग्स के साथ साथ स्किन वहाँ पे थिक होना, वेलवेटी होना, काला पड़ जाना, एकदम मोटा चमड़ी होना, वो भी देखा जाता है गर्दन के एरिया में और अंडर आर्म्स में और ग्रोइन एरिया में। एकांथोसिस नाइग्रेकैंस के ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये कैसे दिखते हैं? ये यूजुअली स्किन कलर का होता है, बहुत सॉफ्ट होता है फील में, और ये आईलिड्स के ऊपर, गर्दन में, अंडर आर्म्स में, ग्रोइन में और ब्रेस्ट के नीचे देखा जा सकता है। कहीं पे भी जहाँ पे रगड़ लगती हो या दो सर्फेसेस रब करते हो वहाँ पे आपको ऐसे स्किन टैग्स देखने को मिलेंगे। इसको वायरल वॉट से डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी रहता है। जो स्किन टैग है वो एकदम स्मूथ रहता है, स्किन कलर का रहता है और ये धीरे धीरे बढ़ता है। जो वॉट है वो एक वायरस की वजह से होती है, तो ये थोड़ा रफ़ सरफेस रहता है इसमें। ये यूजुअली डार्कर कलर या लाइटर कलर हो सकता है स्किन की तुलना में, और ये एकदम तेज़ी से बढ़ सकता है साइज़ में भी और नंबर में भी। तो इसीलिए वॉट और स्किन टैग को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एकदम छोटा सा एक मसा है, स्किन टैग है, तो आप ऐसे छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप टाइम से निकाल सकते हो जब भी आप फ्री हो। लेकिन अगर आपकी वॉट है तो उसको तुरंत सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वॉट एक वायरल इन्फेक्शन है और एकदम तेज़ी से फैलती है। तो जब एक या दो हो तभी आप इसको ट्रीट करें ताकि इसका अच्छे से इलाज हो पाए। एक बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वॉट तो उसको सही करने में मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपकी वॉट्स है तो आप प्लीज़ एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। अगर आपका ऐसे स्किन टैग है और वॉट है और आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, पता ही नहीं कर पा रहे हो कि वॉट है या स्किन टैग है, तो भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि वॉट का जल्दी से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो स्किन टैग्स क्यों इंपॉर्टेंट है? स्किन टैग्स तो छोटे मसे होते हैं, ये ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं करते, लेकिन ये उन लोगों में देखा जाता है जिनमें डायबिटीज़ हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। तो अगर आपके बॉडी में बहुत सारे मसे हैं, उसके साथ साथ स्किन भी थोड़ा थिकेंड है, डार्क है, स्पेशली बॉडी फोल्ड्स में, तो फिर आपको ज़रूर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि ये बढ़े ना और आपको डायबिटीज़ ना हो फ्यूचर में, क्योंकि जिनके बहुत ज़्यादा स्किन टैग्स होते हैं उनका डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो क्या ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस है जो आप कर सकते हो अगर आपके वैसे मसे है? तो ये पूरे वीडियो में अगर कुछ मैं चाहती हूँ कि आप सीखें तो ये है कि ऐसे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आपके गर्दन में या बगल एरिया में बहुत सारे स्किन टैग्स है। तो पहले तो आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी एटलीस्ट 45 मिनट्स रोज़। तो 45 मिनट आप अपने रूटीन से कैसे भी निकालोगे और एक्सरसाइज करोगे, उससे आपका वेट कम करने में मदद होगी। उसके बाद आप शुगर इंटेक कम करोगे, जैसे कि चाय ज़्यादा पीना, कॉफ़ी पीना, उसमें भी जितना शुगर आता है वो हम कभी मानते नहीं, हमें लगता है कि शुगर मतलब सिर्फ जो हम डिज़र्ट खाते हैं, मिठाई खाते हैं, उसमें ही शुगर होता है। नहीं, तो ये चाय और कॉफ़ी में भी जो शुगर होता है वो भी बॉडी के लिए हानिकारक रहता है। तो इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीते हो वो आपको आदत बदलनी पड़ेगी। फिर आपको कार्बोहाइड्रेट का इंटेक थोड़ा कम करना पड़ेगा। हमारे डाइट में आलू बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो आलू का इंटेक और ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट, बाकी चीज़ें जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हो उसकी मात्रा आप कम करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको कंप्लीटली हटाना पड़ेगा, ये हेल्दी नहीं होता। थोड़ा कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो आप इसको बिल्कुल ना हटाएं, लेकिन इसका प्रोपोर्शन यूजुअली 20% ऑफ योर मील तक ही रखें। फिर बाकी आप प्रोटीन ले सकते हो, प्रोटीन और फाइबर से फुल भी हो जाओगे आप, ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी और फिर आपको क्रेविंग्स भी नहीं होगी और उससे
मोटापा भी नहीं होता। और आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर लें, कलरफुल वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लोगे, साग पात पत्ते लोगे, तो उससे आपकी बॉडी में उसका काफ़ी अच्छा सुधार आएगा। और आप हमेशा हर मील सैलड से शुरू करोगे तो आपका भूख भी थोड़ा कम हो जाएगा और फिर आप इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं करोगे, तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। फ्रूट्स में ज़्यादा मीठा वाला फ्रूट्स आप कम खाएँ, जैसे कि पपाया और वाटरमेलन, बनाना, एप्पल, ये थोड़े बेटर ऑप्शंस होते हैं फ्रूट्स के। अल्कोहल भी कम करें, भले ही अल्कोहल में इतना ज़्यादा कैलोरीज डायरेक्टली ना हो, लेकिन अल्कोहल पीने के बाद जो इनहिबिशन खो देते हो आप, जो जजमेंट खो देते हो, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी स्नैकिंग करना और डिज़र्ट्स और स्वीट्स ज़्यादा खाना और पेट भरने के लिए बिना सोचे ही बहुत सारा खाना खा लेना, ये होता है। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो वेट लूज़ करने में, तो आप अपना अल्कोहल इनटेक को ज़रूर देखें, कभी कभी ये ज़्यादा मात्रा होने की वजह से भी वेट लॉस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जब सारे चेंजेस करोगे तो आपके बॉडी में पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, उससे आपकी स्किन, हेयर हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी हाई प्रोटीन डाइट, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शुगर की मात्रा कम, और इतना भी आप करोगे तो उससे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो स्किन टैग्स को कैसे ट्रीट करते हैं, इसका ट्रीटमेंट साइज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर बहुत छोटा है, मतलब एकदम तिल के दाने जितना छोटा है, इतना ज़्यादा दिखता भी नहीं है, तो फिर हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आप जब वेट लूज़ करते हो तो भी इसमें काफ़ी हद तक सुधार आ सकती है। लेकिन अगर ये थोड़े मोटे है, साइज़ इसकी बड़ी है और ये पिडंकुलेटेड है, मतलब इसमें स्टेम आ गई है, तो फिर आपका वेट लॉस करने के बाद भी ये नहीं जाएगा, ये रहेगा ये बॉडी में, और फिर इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको हम निकालते हैं आइदर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन और CO2 लेज़र करके बेस को हम जलाते हैं, तो उसके बाद ये अच्छे से हील होता है बिना कोई स्कार छोड़े। तो अगर आपके ऐसे स्किन टैग्स है तो प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, और ये बस 5 मिनट का प्रोसीजर होता है और आप इसको अच्छे से निकाल सकते हो। क्या कोई क्रीम्स लगाने से स्किन टैग्स जाएगी क्या? अगर एकदम छोटे छोटे हैं, एकदम तिल के दाने जितने हैं, तो कभी कभी ट्रेटिनोइन क्रीम लगाने से वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। ट्रेटिनोइन क्रीम हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही ले, बिना डॉक्टर से पूछे इसको स्किन में ना लगाए, क्योंकि उससे और ज़्यादा इरिटेशन होने के चांसेस होंगे। बहुत छोटे छोटे हैं तो उससे बेटर हो सकती है, वेट लॉस से बेटर हो सकती है, वरना एक बार थोड़े दिखने लगे और उसमें स्टेम आ गई, पिडंकुलेटेड हो गई, तो फिर वो नहीं जाएगी कोई भी क्रीम से। तो क्या कुछ घरेलू नुस्खे करके हम स्किन टैग्स को निकाल सकते हैं क्या? तो ऐसे बहुत पॉपुलर घरेलू नुस्खे हैं, जैसे कि इसको धागे से बांधना और इसको अगरबत्ती से जलाना, या कोई सोडा या कोई से ऐसा चूना लगाना इस पर। बिल्कुल भी ये सब ना करें, धागे से टाई करोगे तो वहाँ पे ये और स्ट्रैंगुलेशन हो जाएगी, नेक्रोसिस होने के चांस होगा, और ज़्यादा आपको दर्द करेगा, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो ये सब आप घरेलू नुस्खे बिल्कुल भी ना करें, और इसको जलाने के बारे में तो बिल्कुल भी ना सोचें, उससे कि आपकी नॉर्मल सराउंडिंग स्किन भी जल जाएगी, और उससे जो हीलिंग होती है उसमें हमेशा स्कार रहता है, वो डीप स्कार दिख सकता है। अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक के पास में जाके कराओगे तो एकदम नॉर्मल जैसे हील हो जाएगी, लेकिन आप अगर को ऐसे चूना और अगरबत्ती से जलाओगे तो वहाँ से गड्ढे जैसे हो सकते हैं। तो ये सारे नुस्खे प्लीज़ ना करें, ये एकदम छोटा प्रोसीजर है, बेटर होगा आप प्रोफेशनली इसको हटाए। तो ये था डिटेल वीडियो स्किन टैग के ऊपर। अगर आपको एकेंथोसिस नाइग्रिकैंस के ऊपर अलग से डिटेल वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स में वीडियो देखना है तो प्लीज़ मुझे नीचे सेक्शन में बताएं। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि क्या आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, कि क्या मैं प्रोडक्ट्स रिव्यू ज़्यादा करूँ, वो भी मुझे थोड़ा सा आप गाइड करना कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, तो मैं उस टॉपिक में ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप हमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD में फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं रोज़ हर रोज़ ऐसे वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ। हमारे वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।